Assalamualaikum, Sunrise Fancybers में तुमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मियां शाहिद। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि हमने अपने बर्ड्स को तैयारी पे लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या चीजें इस्तेमाल करवानी है अपने बर्ड्स को, ताकि हमारा बर्ड जोन सा है वो अच्छा रिजल्ट दे, हमारा बर्ड जोन सा वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, हमारा बर्ड जोन सा जब हम तपनी में छोड़ते हैं तो उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिले। उसके लिए दो तरीकेकार हैं। ये दोनों तरीके जो से हैं बहुत ही मुफीद हैं। इनके इस्तेमाल करवाने से हमारा बर्ड जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहेगा, और उसके अलावा बर्ड जो से हैं वो जब तपनी में हम छोड़ेंगे फाइटिंग के लिए अपने बर्ड्स को छोड़ेंगे तो हमें वो अच्छा रिजल्ट देगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमने नैरो बियान का इंजेक्शन लेना है और इसका हमने कोर्स करवाना है। ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही कारामद नुस्खा है। ये हमने 9 दिन एक एक सीसी अपने बर्ड्स को जो है वो लगाना है। एक सीसी रोजाना की बुनियाद पे हमने जो है सुबह के टाइम पे अपने बर्ड्स को लगा देना है और कम से कम 2.5 से 3 घंटे अपने बर्ड्स को खुला छोड़ देना है। उसके अलावा अगर हमने खुराक की बात करें तो हमने जो है वो बाजरों को कम से कम 8 घंटे पानी में भिगो देना है। उसके बाद इसको हमने पानी से निकाल के सुखा के ये अपने बर्ड्स को खिलाना है। ये हमने 9 दिन कोर्स करना है। 9 दिन के बाद हमने 2 दिन का वक्फा देना है और उसके बाद हमने नैरो बियान और मेथी कुबाल ये दोनों इंजेक्शन मिक्स कर लेने हैं और ये अपने बर्ड्स को 2 दिन इस्तेमाल करवा देने हैं। ये हमारा इंजेक्शनों का कोर्स जो है वो मुकम्मल हो गया। याद रखें कि इस दौरान में अगर बर्ड्स गर्मी करता है, बर्ड्स अगर पतली बीठे करता है तो हमने इंजेक्शन रोक देने हैं और वक्फा दे देना है जब तक बर्ड जो है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता, बीठे जो है वो सही नहीं करना शुरू हो जाता, तब तक हमने जो है वो इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करवाना। जब बर्ड्स ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर हमने अपने बर्ड्स को इंजेक्शन जो से ये इस्तेमाल करवा के अपने बर्ड्स का कोरस जो है ये मुकम्मल कर लेना है। दूसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि हमने जो है वो बादामों से अपने बर्ड्स को तैयार करना है। उसके लिए हमने जो है वो एक बादाम से शुरू करना है और अपने बर्ड्स को 5 बादामों तक लेके जाना है। ये हमने कम अज कम 20 से 25 दिन जो है ये कोरस होगा 20 से 25 दिन का। हमने जो उनसे 5 बादाम ऐसे बर्ड्स को खिलाने हैं जो कि बर्ड 2.5 केजी का हो जाएगा। 2.5 केजी का जो बर्ड्स है उसको हमने 5 बादामों तक लेके जाना है। अगर हमारे बर्ड्स का वजन कम है तो हमने जो उनसे बादामों की तादाद कम रखनी है। उसके साथ साथ हमें एक दिन जो है वो काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। टीके से हमने जो है ये 25 दिन जो है अपने बर्ड्स को बादामों का कोर्स करवा के उसके बाद हमने अपने बर्ड्स को ट्रेनिंग करवानी है और अपने बर्ड्स जो है उसको सेहतमंद और तंदुरुस्त कर लेना है। अपने बर्ड्स को जब हम तो हमारा बर्ड जो है वो अच्छा रिजल्ट हमें देगा, बर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये दो तरीके कार हैं जिसके इस्तेमाल करवाने से हम अपने बर्ड्स को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं और जब हम अपने बर्ड्स को ट्रेनिंग में छोड़ेंगे तो हमारा बर्ड जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। और इसके अलावा जब हमने ट्रेनिंग में अपने बर्ड्स को जिस दिन छोड़ना है उस दिन हमने शाम के टाइम पे गुड़ लेना थोड़ा सा और उसके अंदर पेनाडोल का सिरप जो है वो मिक्स करके ये गोली बना के अपने बर्ड्स को खिला देनी है, ताकि बर्ड्स जो है वो बुखार में मुबतला ना हो, क्योंकि थकावट की वजह से बर्ड्स जो है वो बुखार में मुबतला हो जाते हैं। इसलिए हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है। अगर बर्ड्स को बुखार हो जाता है तो हमने जो है वो पेनाडोल, पैरासीटामोल या उसके अलावा हमने जो है ब्रूफोन, इन तीनों सिरप में से किसी एक सिरप का इंतखाब करके ये अपने बर्ड्स को साथ में पिलाते रहना, ताकि हमारा बर्ड जो है वो बुखार में मुबतला ना हो। उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त या शाहिद को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।